क्या रहता है फॉरवर्ड चार्ज? सप्लायर है, वो अपना इनवॉइस बनाएगा, उसमें उसका 10,000 है प्लस जीएसटी का कुछ अमाउंट है 18%, तो 11,800 ये इनवॉइस वैल्यू होगी। और ये 1,800 जो टैक्स है वो गवर्नमेंट को डिपॉजिट करने की जवाबदारी जिम्मेदारी किसकी होगी? सप्लायर की होगी। अब रिवर्स चार्ज में क्या होगा? सप्लायर उसका 10,000 जो है वो लेगा, लेकिन वो टैक्स जो उसके ऊपर है ये समझो 1,800 वो नहीं लेगा, वो टैक्स जो है वो नहीं लेगा। रिसिपियंट को बोलेगा कि टैक्स जो है मैं नहीं ले सकता, आपको ही गवर्नमेंट को देना है, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। हाँ, वो अपने प्रॉफिट से देगा या जो 10,000 उसमें इंक्लूड अभी देखो करेगा? यहाँ पे क्या किया सप्लायर ने अपने पॉकेट से। ये देखो आप जब खरीदते हो तो आपने 10,000 क्या दिया? गुड्स का दिया या सर्विस का दिया? और ये 1,800 रुपया भी आपने आपसे ही पॉकेट के दिया ना, लेकिन आप सप्लायर को बोल रहे हो कि ये ले लो भैया और आप गवर्नमेंट को दे दो। डीमार्ट्स में आपने परचेज किया, उसकी जिम्मेदारी क्या है? उसका पैसा वो रखे और टैक्स का पैसा गवर्नमेंट के पास जमा करे, बराबर है? लेकिन डीमार्ट के पास में देखो एक जब ट्रांसपोर्टर जाएगा, उसका जो मटेरियल है वो लेके एक ट्रांसपोर्टर जाएगा, और वो ट्रांसपोर्ट का भाड़ा बोलेगा 10,000 है और उसके ऊपर जीएसटी 500 रुपये है, तो 10,500 रुपीज़ ये खर्चा किसका है? ये डीमार्ट का है ना। लेकिन डीमार्ट को क्या कहा गया कि अगर आप जीटीए मतलब गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी है उसको अगर उसकी आप सर्विस लेते हो तो ये 500 रुपये आपको ही देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, उसको मत दो। ट्रांसपोर्टर की जिम्मेदारी नहीं है जीएसटी भरने की। ट्रांसपोर्टर अगर अनरजिस्टर है, ट्रांसपोर्टर जीएसटी का बिल नहीं बनाएगा, वो अपना 10,000 लेगा, लेकिन इसके ऊपर जीएसटी 5% है वो आपको देना पड़ेगा, ऐसा कानून में लिखा हुआ है। कहाँ लिखा है, कैसे लिखा है? या जैसे मैंने बोला ट्रांसपोर्टेशन है और कौन सी सर्विस है, कौन से गुड्स है, वहां पे इस तरीके से जो परचेज करता है उसको भी टैक्स भरना पड़ता है गवर्नमेंट को। सर यहाँ पे एजेंट के बिहाफ में सप्लायर जो इंश्योरेंस कंपनी वो टैक्स पे कर रही है। वो मैं आपको एग्जांपल बोला कि ऐसे कुछ एग्जांपल है। एग्जांपल की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ तो एग्जांपल आपने बताया वहाँ पे एक एजेंट है, हाँ एजेंट ने एजेंट एजेंट अपना लेकिन 10,000 रुपया लेगा, एजेंट का वहाँ पे काम खत्म। जो 10,000 रुपया वो कस्टमर से ले रहा है नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कमीशन की बात कर रहा हूँ। पॉलिसी उसने निकाल के दिया ना, तो पॉलिसी इंश्योरेंस पॉलिसी निकाल के दिया, उसके ऊपर जो टैक्स लगता है उसका मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। मैं उस पॉइंट में नहीं हो रही, कमीशन वाली बात कर रही हूँ। हाँ कमीशन जैसे एजेंट ने जो पॉलिसी बेचा कस्टमर को उसके अंदर जीएसटी रहता है। वो सब्जेक्ट नहीं है, वो सब्जेक्ट में नहीं बोल रहा, मैं वो सब्जेक्ट डिस्कस नहीं कर रहा। देखो अब एजेंट क्या करता है, आपको बोलता है ये पॉलिसी है इसके ऊपर इतना इतना जीएसटी है, वो तो कंपनी के बिहाफ से काम कर रहा है ना। आपने जो पैसा दिया आपने समझा आप पॉलिसी होल्डर है, आप इंश्योरेंस पॉलिसी निकालोगे जितना अमाउंट है वो दोगे, टैक्स का भी अमाउंट दोगे, वो तो कंपनी के अकाउंट में दोगे, कंपनी वो जीएसटी भर देगी, वो फॉरवर्ड चार्ज हो गया। आपका इंश्योरेंस का अमाउंट है प्लस टैक्स का अमाउंट है, वो दोनों इंश्योरेंस कंपनी ने ले लिया और भर दिया वो जीएसटी जो भी है। इंश्योरेंस एजेंट ने जो बिजनेस दिया इंश्योरेंस कंपनी को तो उसको कमीशन मिलता है, तो उसको कमीशन 10,000 है, बराबर है? वो 10,000 जो है उसके ऊपर उसको समझो 1,800 ये जीएसटी का चार्ज है। तो इंश्योरेंस एजेंट ऐसा नहीं बोलेगा कि 10,000 दो प्लस जीएसटी भी दो, ये पे कौन करेगा? ये किसकी पॉकेट से जाएगा? इंश्योरेंस कंपनी के पॉकेट से ही जाएगा। 10,000 कमीशन प्लस 1,800 रुपये जीएसटी, लेकिन जीएसटी जो कंपनी है इंश्योरेंस कंपनी वो डायरेक्टली गवर्नमेंट के पास जमा करे, ऐसा कानून है। तो जो इंश्योरेंस तुम्हारा आर्मी बोल रहे हो तुम्हें कमीशन पे करते हो, इनकम एक्सीड होता है सर 20 लाख का, जीएसटी नहीं लगाया था
आता हा रिवर्सचा इन्शुरन्स कंपनीला म्हणायचा नसेल होते, पण जो बघा काही सर्व्हिसेस अशा आहेत की नाही हे सर्व्हिसेस अशा आहेत की ज्यामध्ये सप्लायरला जीएसटी भरायचाच नाही, तर ट्रान्सपोर्टर आहे त्याला जीएसटी कलेक्ट करायचाच नाहीये. अच्छा ट्रान्सपोर्टरला असं आहे त्याला जीएसटी कलेक्ट करायचा असेल तो करू शकतो असा पण कायदा आहे, पण इन्शुरन्स एजंटला असं नाही आहे, ॲडव्होकेटला असं नाही आहे. आपण लिगल ॲडवाईस लेंगे, मी वकिलाकडे गेला तुमच्या बिझनेसच्या कामासाठी की बाबा हे आमचा लिगल मॅटर आहे ठीक आहे, आता त्यात वकीलची फी घेईल, तुम्ही एंट्री कराल की लिगल एक्सपेन्सेस 10,000, त्यावर जीएसटी तुम्हीच भरायचं. वकीलचा जो टर्न ओव्हर आहे हा करोडमध्ये आहे, मोठा वकील आहे. लिगल चार्जेस बोललोय मी फक्त लक्षात घ्या की लिगल चार्जेस हे वेगळा याच्यामधलं आहे. एक व्यक्ती वकील आहे जो लॉयर आहे वो जीएसटी का भी काम करता है और लीगल एडवाइस देने का भी काम करता है, दोनों करते हैं. एक फर्म है, मतलब वो फर्म में वो आदमी जो काम करते हैं वो फर्म का दोनों काम है. लेकिन अगर फर्म ने ऑडिट किया तो वो जीएसटी कलेक्ट करके भरेंगे, लेकिन अगर उसने लीगल एडवाइस दिया या किसी अथॉरिटी के सामने जाके आपके बिहाव पे कुछ उसने बात रखी, ये लीगल एडवाइस के डेफिनेशन में आता है, तो उसके लिए रिवर्स चार्ज लगता है, फॉरवर्ड चार्ज नहीं. वो चाह के भी जीएसटी कलेक्ट करके भर नहीं सकता, वो बोलेगा आप पक्का भरो मेरे को मेरा फीस दो. अभी फर्स्ट सीरीज में ओवर भी ले रहे हो, बाद में हम फॉरवर्ड चार्ज के लिए दो रिलेशन का एक बार देखना पड़ेगा क्या बोल रहे हो. हाँ कि कब लगता है फॉरवर्ड चार्ज, कब लगता है रिवर्स चार्ज, इसके ऊपर 2 घंटा 3 घंटा 2 क्लास 3 क्लास हम आगे डिस्कशन करने वाले. अभी तो सिर्फ आपको ओवर दे रहा हूँ कि क्या सीखना है हमको. अभी देखो ये जो मैंने बोला कि जो डिपार्टमेंट के लोग मेरे पास आते हैं सीखने के लिए, उनका क्या होता है, उनके लिए भी ऐसा छोटा छोटा वो लोग ट्रेनिंग रखते हैं कि चलो 1 महीने का ट्रेनिंग. लेकिन 1 महीने में एक कोई आदमी आएगा उनको एक टॉपिक पे 2 घंटा बताएगा, तो उसमें ज़्यादा कुछ समझता नहीं है. लेकिन वो जो 2 घंटे में जो उनको सिखाता है उसके लिए मैं यहाँ पे 7-8-10 घंटा सिखाता हूँ, तो समझ में आता है. अरे ये इतना था, ऐसा था. वो क्लियरिटी तभी आएगी कि आपको कुछ भी मालूम नहीं है, तो जब 7-8-10 घंटा मैं उसके में बोलूँगा तब आपको आइडिया आएगा कि ये क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे ऐसे करना है, यहाँ पे ऐसे करना है, यहाँ पे ऐसे नहीं करना है. सिचुएशन ऐसी है तो ही ऐसा करेंगे, ये तो ऐसा करना पड़ेगा. तो वो कहाँ पर लिखा है, यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर सेक्शन है, यहाँ पर रूल है, यहाँ पर ऐसा है, यहाँ पर नोटिफिकेशन है. मतलब आप उसमें कन्विंस हो जाओगे कि किस तरीके से कानून चलता है. अभी आप पहली बार ही लॉ सीख रहे हो तो आपको कोई आइडिया नहीं है कि एक्ट में कैसा लिखा रहता है. फिर एक्ट का ये अभी जीएसटी आएगा तो एक फॉरवर्ड चार्ज में आएगा, अब कैसे आएगा क्या आएगा उसके ऊपर टाइम देना पड़ेगा, रिवर्स चार्ज टाइम देना पड़ेगा. फिर उसकी मैं टैली में एंट्री भी दिखाऊंगा, फॉरवर्ड चार्ज किस तरीके से होता है, रिवर्स चार्ज है एंट्री किस तरीके से होती है, ये कानून में लिखा है ऐसे हम यहाँ पे अकाउंटिंग करेंगे. और जो अकाउंटिंग किया है वो वहाँ पे पोर्टल पे कितने से दिखाना है, कितने से भरना है, उसके लिए कौन से कॉलम है, कौन सा फॉर्मेट है, उसमें कहाँ पे दिखाना पड़ता है, कहाँ पे शो करना पड़ता है, ये तीनों चीज़ें कनेक्टेड होगी. यहाँ पे आप अकाउंटिंग एंट्री करो, क्यों कर रहे हो, कानून में लिखा है, कहाँ पे लिखा है, कौन से एक्ट में लिखा है, कौन से रिश्वत में लिखा है, कौन सा रूल बोल रहा है, नोटिफिकेशन कौन सा आया था, ये आप समझेंगे. और फिर वो चीज़ कानून बोल रहा है टैक्स भरो, जमा करो, जमा कर भी तो वहाँ पे कहाँ कहाँ दिखाने. 11 तारीख का होता है जीएसटी वन, 20 तारीख का होता है ड्यू डेट जीएसटी 3B का. तो जीएसटी वन में क्या दिखाना है, जीएसटी 3B में क्या दिखाना है, वो सारी चीज़ें आगे आएगी. अकाउंटिंग और जीएसटी पोर्टल, ये दोनों चीज़ें प्रैक्टिकल है. लेकिन आप जो कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो, क्योंकि कहाँ लिखा हुआ है, वो लॉ का पार्ट है. लॉ बोले तो एक्ट रूल नोटिफिकेशन सर्कुलर जो बोलते हैं, कहाँ बोलते हैं, वो हम समझ के वो काम करेंगे. तो मुझे ऐसा लगता है ये तीनों में से ऐसा एक भी पार्ट नहीं है कि जो इसको इग्नोर कर सकते. आपको बोला लॉ नहीं सिखाऊंगा, प्रोसीजर सिखाऊंगा, तो आप क्यों कर रहे हैं आपको मालूम नहीं. सामने वाला आपको कुछ पूछ रहा है, वो क्यों पूछ रहा है, क्योंकि उसको कानून मालूम है, इसके लिए वो कुछ पूछ रहा है. आप कुछ दूसरा ही बोल रहे हो क्योंकि आपको कानून मालूम नहीं है.
मुझे कुछ भी कोई भी पूछता है तो मैं उसको 4 सवाल पूछता हूँ, उसका 1 सवाल मेरे 4 सवाल, क्योंकि जो वो बता रहा है वो जानकारी मेरे लिए जवाब देने के लिए काफ़ी नहीं, सफिशियंट है मैं माइकी, और उसने भी ज़्यादा ज़्यादा सुना है, उसकी सबसे कुछ बोल रहा है, और उसको अपना बेनिफिट चाहिए, उसको लगता है ये किया तो बेनिफिट मिलेगा, लेकिन वो कब किया, किस तरीके से किया, उसका रोल क्या था, उसने गुड दिया, सर्विस दिया, क्या दिया, तो सब कुछ मुझे पूछना पड़ता है, फिर उसको कुछ रिफंड मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा, या टैक्स भरना पड़ेगा, या उसके ऊपर कुछ कानूनी कार्रवाई हो सकती है क्या, ये कोई पूछता है तो मुझे पूरा पूछना पड़ता है, वो बोलेगा ऐसा ऐसा हुआ है तो मैं पूरा पूरी कहानी पूरी स्टोरी बताऊँ क्या हुआ, कहाँ से आपका ट्रांजेक्शन स्टार्ट हुआ, कहाँ पे एंड हुआ, वो पूरा समझने के बाद में एडवाइस दिया जा सकता है, वो लेवल पे समझने के लिए आपको एक्ट रूल सेक्शंस ये सारी चीज़ें जो है वो समझनी पड़ेगा। तीसरा पॉइंट क्या है, कॉमन टॉपिक अभी जैसा कानून, अभी जैसा जैसा देखो परिस्थितियाँ बदल रही है, अभी पहले कुछ ऑनलाइन नहीं था, जैसे आप ओला को कॉल करते ओला उबेर आ जाते, अब लोग सुबह घर से निकलते हैं शाम को घर पे आते, समझो अपना नल अभी खराब हुआ, अब क्या करते हो, प्लम्बर को बुलाते हो, कॉल करते हो, कोई वेबसाइट है, कोई ऐप है, चलो ऑर्डर कर दिया, पूछेगा कहाँ पे आपका एड्रेस है, आ गया, ये सारी चीज़ें अभी ऑनलाइन हो गई, कारपेंटर चाहिए, इलेक्ट्रिशियन चाहिए, प्लम्बर चाहिए, सब कुछ ऑनलाइन मिल जाएगा, तो ये कोई ऐप है या कोई वेबसाइट है जिसके ऊपर ये फैसिलिटी है कि जहाँ पे आपको क्या चाहिए बोलो आ जाएगा, आपको दूध मंगवाना है ऐप है, ऐप पर डाल दो दूध चाहिए, आपका एड्रेस मोबाइल नंबर डाल दो, तुरंत 10 मिनट में आ जाएगा, सारी चीज़ें अभी ऑनलाइन हो रही है, सारी चीज़ें आपको घर बैठे आप मंगा रहे हो, तो ये इसके लिए आपको कौन कौन हेल्प कर रहा है, तो कोई आदमी क्या करता है एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं कि आपको बोलेगा कि आपको ऑर्डर करना है, हमारा ये प्लेटफॉर्म है अमेजॉन फ्लिपकार्ट, यहाँ पे आप ऑर्डर कर दो, और बायर को बोलेगा देखो लोगों को हम लोग ऐसे इस तरीके से बता रहे हैं, आपका सामान हमारे वेबसाइट पे आप क्या करो, यहाँ पे लिस्ट करो, आप लिस्ट करो, जो बिजनेसमैन है वो लिस्ट कर रहे हैं वहाँ पे उनके गुड्स उनकी सर्विसेज, और पब्लिक क्या कर रहे हैं वहाँ से परचेज कर रहे हैं, अब ओला उबर क्या बुला रहे हो तो ओला उबर क्या करता है कमीशन लेता है ना, या स्विगी है जोमेटो है वो क्या करता है अपना कमीशन निकालता है ना, तो ये ई कॉमर्स ऑपरेटर है, अब ओला उबर वाला आएगा टैक्सी वाला आएगा तो वो GST में रजिस्टर नहीं होगा, समझो आप अपने अब चेंबूर गए 500 रुपीज़ आपने पे कर दिया, तो ये 500 रुपीज़ में GST इंक्लूड होगा और ये देने की जिम्मेदारी ओला या उबर कंपनी की होगी, तो टैक्सी वाला होगा उसने अपना कार वहाँ पे लिस्ट किया, उसको ओला उबर ने क्या किया बोला एक आपके मोबाइल में एक ऐप डाल दो, आप ऐप चालू करोगे तो जो आपका कस्टमर होगा वो अपना ऐप चालू करेगा, वो देखेगा गाड़ी कहाँ पे दिख रही है क्या, जो गाड़ी पास में होगी उसको वो क्या जाएगा कोई कस्टमर ढूंढ रहा है ये मैसेज जाएगा, दोनों का कॉन्टैक्ट हो जाएगा, मतलब वो आपकी वजह से आपका और जो टैक्सी ड्राइवर है उसका कॉन्टैक्ट होता है, और फिर वो ओला उबर क्या करते हैं आपने 500 रुपया लिया तो 100 रुपया वो लेते हैं उनका कमीशन, बाकी उसको मिलता है, तो GST कौन भरेगा, तो गवर्नमेंट ने क्या बोला ओला उबर को कि जो आप ये जो भी हो रहा है उसके ऊपर आपको GST भरना पड़ेगा, ये जो ट्रांजेक्शन होगा उसके ऊपर GST आपको भरना पड़ेगा, तो टोटल ट्रांजेक्शन के ऊपर वो बताऊँगा आगे, ठीक है अभी देखो इस पर भी कैसे होगा क्या रेट होगा कैसे होगा वो आगे बताऊँगा ना मैं, इसको दिखा रहा कैसे रिटर्न पे वो सारी चीज़ें रिटर्न में आने वाली आ गई, अब सिर्फ ये GST कलेक्ट करने का तरीका है, एक क्या है सप्लायर GST कलेक्ट करके भरेगा, सप्लायर जो है वो बायर से GST कलेक्ट करके भरेगा, एक तरीका फॉरवर्ड चार्ज, दूसरा सप्लायर अपना सप्लायर देगा लेकिन वो GST नहीं लेगा बायर से, बायर जो जो परचेज कर रहा है गवर्नमेंट ने उसको बोला तुमने परचेज किया ना GST भी तुम दो, और तीसरा तरीका ये ई कॉमर्स ऑपरेटर, और फिर ये ऐसा गवर्नमेंट क्यों कर रही है जब वो टॉपिक में लूंगा तो बताऊंगा कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है, समझ आ गया,
तो ये लेवी और कलेक्शन है। अब इसमें जो भी मैंने बोला टैक्स जो भी लगेगा उसका रेट क्या होगा, फॉरवर्ड चार्ज रिवर्स चार्ज ये सारी चीज़ें हैं, वो सप्लाई के ऊपर लगता है। तो सप्लाई क्या होगा, स्कोप ऑफ सप्लाई सेक्शन 7 में होगा। सप्लाई किसे कहेंगे, सप्लाई में क्या इंक्लूड होगा, अगर सप्लाई है तो जीएसटी है, समझ में आ गया, सप्लाई है तो जीएसटी, वरना जीएसटी नहीं है। अभी एक एम्प्लॉयर है, एक कंपनी है, उसके एम्प्लॉयज है। अब एम्प्लॉय क्या कर रहा है, सर्विस दे रहा है ना एम्प्लॉयर को, लेकिन जो एम्प्लॉय है जो पगार लेता है उसके ऊपर जीएसटी नहीं आता, समझ आ गया ना। ये जो एक्टिविटी है, ये जो ट्रांजेक्शन है, एम्प्लॉयर के लिए एम्प्लॉय काम कर रहा है, ये जीएसटी के कानून में सप्लाई है ही नहीं, ऐसा वहां पे लिखा, ये सप्लाई है ही नहीं, समझ आ गया, ये सप्लाई ही नहीं है तो जीएसटी नहीं आएगा। समझ आ गया मैं क्या बोल रहा हूँ, एक वहां पे एक एनिमल जा रहा है, आप बोल रहे हो कि ये गधा है, लेकिन कानून में लिखा है ऐसा ऐसा जा रहा है, जिसको गधा कहते हैं लोग, लेकिन हमारे कानून में इसको घोड़ा कहेंगे, तो आपको घोड़ा कहना होगा उसमें, समझ में आ गया ना। एम्प्लॉयर अगर एम्प्लॉय को हायर कर रहा है, उसको पेमेंट दे रहा है, तो ये ट्रांजेक्शन, ये एक्टिविटी, ये सप्लाई में कवर नहीं होगी, मतलब जीएसटी कानून में इसके ऊपर जीएसटी नहीं लग सकता, समझ में आ गया। अब जिनको हम चुनके देते हैं, कोई विधायक है, बराबर है, उनको गवर्नमेंट की तरफ से पैसा मिलता है, तो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज नहीं है तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा, क्योंकि तो वो सप्लाई में नहीं है। जो आमदार खासदार असतात, नगरसेवक असतात, त्यांना काही अमाउंट मिळते गवर्नमेंटकडनं, कशा करता, त्या त्यांच्या कामा करता, पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं, इसके लिए उनको पैसा मिलता है, अलाउंस मिलता है, उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। उसमें ऐसी 8 ट्रांजेक्शन है जो सप्लाई में इंक्लूड नहीं होती, तो नहीं होती, बाकी सब ट्रांजेक्शन जो भी है उसके ऊपर सप्लाई इंक्लूड होगा। तो फिर सप्लाई ऑफ गुड्स कब कहेंगे, सप्लाई ऑफ सर्विस कब कहेंगे, ये सारी क्लियरिटी आपको सप्लाई में मिलेगी। और फिर उसमें दूसरा कंपोजिट और मिक्स सप्लाई, मतलब जैसे हम गुड्स दे रहे हैं तो गुड्स की डिलीवरी भी कर रहे हैं, कुछ गुड्स है जिसको इंस्टॉल करना पड़ता है, जैसे टीवी है, कोई मशीन है, उसके इंश्योरेंस भी उसके ऊपर भरा हुआ है, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है, पैकिंग चार्जेस है, तो सप्लाई गुड्स का है, लेकिन वो गुड्स के साथ में थोड़ा बहुत और भी गुड्स जा रहे हैं, होम डिलीवरी भी हो रही है, उसके चार्जेस भी होंगे, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें। कभी तो अभी कैसा है, होम डिलीवरी फ्री है, लेकिन अगर 200 रुपीज़ के ऊपर अमाउंट नहीं है आपकी, तो आपको होम डिलीवरी चार्जेस लगेंगे, तो आप जो गुड्स मंगा रहे हैं उसमें ये चार्जेस भी हैं, तो जीएसटी कितना लगेगा, कैसे लगेगा, तो वो कंपोजिट सप्लाई मिक्स सप्लाई में आपको समझ में आएगा किस तरीके से वो जीएसटी लगेगा। आपके कुछ गुड्स 5% वाले हैं, कुछ गुड्स 12% वाले हैं, तो जो पैकिंग किया, जो ट्रांसपोर्ट किया, उसका अलग चार्ज लगाया, तो उसके ऊपर जीएसटी कितना आएगा। और ये है कंपोजिशन लेवी, जो छोटे बिजनेसमैन रहते हैं उनको ये सारे इनवॉइस बनाओ, सारा हिसाब करो, ये सब नहीं जानते, तो उनके लिए गवर्नमेंट ने बोला कि आप कुछ मत करो, आप सिर्फ 3 महीने में एक बार टैक्स पेमेंट करो, जितना आपका सेल हुआ उसके ऊपर 1% जीएसटी दो। समय आ गया, लेकिन उनको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता, इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता, इनपुट टैक्स क्रेडिट सुना है क्या रहता है, हाँ उसका अलग टॉपिक है, इनपुट टैक्स क्रेडिट बोला, इनपुट टैक्स क्रेडिट, अभी मैं पहला ही जो टॉपिक लूंगा आगे मैं एक टॉपिक लूंगा, इसमें देखो यहाँ पे देखो एक कॉस्ट है यहाँ पे 1 लाख,
मैन्युफैक्चरर गुड्स बना रहे हैं और आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आप खरीद रहे हो, तो मैन्युफैक्चरर ने क्या किया, आपको कॉस्ट बोला 1 लाख, और जैसे जीएसटी का कानून है उसके हिसाब से 18% उसके ऊपर जीएसटी लगना है, तो इनवॉइस वैल्यू हो गई 1,18,000। ओके, अब ये 1,18,000 में से मैन्युफैक्चरर क्या करेगा, ये 18,000 गवर्नमेंट को पे कर दिया, ये आपसे लिया ना उसने, तुमसे करना घूम मैन्युफैक्चरर क्या करें। अब आपका रोल क्या है यहाँ पे, देखो आपका, आप यहाँ पे कौन हो, आप यहाँ पे हो डिस्ट्रीब्यूटर, आपका रोल है डिस्ट्रीब्यूटर का, आपने ये सामान परचेज किया, जो इनवॉइस था उसका इनवॉइस वैल्यू थी 1,18,000, अब आपको गुड्स कॉस्ट बोला गया 1 लाख, इतना क्लियर है यहाँ तक क्लियर। अब आप जब इसको बेचोगे, आप जब इसको बेचोगे तो आप उस 1 लाख का जो गुड्स है उसको आप बढ़ा के अपना प्रॉफिट लगा के 11,200 आपकी प्राइस हो जाएगी 1,11,200। कोई नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ, अब ये हिजे अकरा ओनरशिप या आप तुमचं डायरेक्ट प्रॉफिट नसेल, पण अकरा ओनरशिपमध्ये तुम्हाला जे काही इतर खर्च असतात की अपना शॉप का रेंट है या कुछ भी है वो सारा मिला के कुछ आपके लिए बचना चाहिए ना। तो ये अभी जो 11,200 लगाया उसको लगता है कि इसमें 5,000 अपना खर्चा है, तो 5,000 तो आपको मिलना चाहिए, वो हिसाब से वैल्यू एडिशन होगा 1 लाख के ऊपर 11,200। तो आप अगर बेचोगे रिटेलर को तो आप उसको बोलोगे कि मेरी वैल्यू हो गई 1,11,200, और इसके ऊपर जीएसटी आएगा 18%, जैसा कि कानून है 20,016, ये जीएसटी आपको देना पड़ेगा। तो आप इनवॉइस बना के दोगे उसको 1,31,290.20। अभी इससे आपने रिटेलर से आपने जीएसटी कितना लिया, 20,016 लिया ना, आप 20,016 भरोगे ना जीएसटी, तब आप क्या बोलोगे, ये जो गुड्स लिया था मैंने 1 लाख का, तब मैंने 18,000 पे किया था, वो मेरे जेब से निकाल के गया मैन्युफैक्चरर के पास और मैन्युफैक्चरर ने जमा किया गवर्नमेंट के पास, और गवर्नमेंट को मेरा नाम बोल दिया कि देखो इससे मैंने लिया है, आपके नाम पे वो लिखा हुआ रहना चाहिए, आपके मैन्युफैक्चरर ने 18,000 लिया और गवर्नमेंट को वो वहाँ पे बताएगा कि देखो ये इनवॉइस बनाएगा, ये नंबर है इनवॉइस का और इसमें 18,000 मैंने दिया डिस्ट्रीब्यूटर से लिया हुआ है, जब डिस्ट्रीब्यूटर वो देखेगा कि हाँ मेरा 18,000 वहाँ पे लिस्ट में दिख रहा है, अगर वो दिख रहा है लिस्ट में आपके अकाउंट में आपके जीएसटी के पोर्टल पे आपको दिखाई देगा कि आपने दिया हुआ 18,000 रुपीज मैन्युफैक्चरर ने गवर्नमेंट को दे दिया है, गवर्नमेंट को इन्फॉर्म कर दिया है। तो जब आप ये 20,016 इससे लिया है ट्रेडर से, अभी क्या करोगे उसके नाम पे 20,016 लिख दोगे, ये इनवॉइस नंबर बना है, मैंने 20,016 लिया हुआ है उससे, तो ये आपकी जिम्मेदारी है। और जब आपको भरने को आएगा तो आप 20,016 नहीं भरोगे, आप ये 18,000 लेस करके जो डिफरेंस है वो पे करोगे, जो डिफरेंस है वो आप पे करोगे, 20,016 में से 18,000 डिफरेंस माइनस करके आपको पे करना होगा 2,016। आपने 1 लाख का जो भी गुड्स लिया उसके ऊपर आपने 18,000 लिया, जीएसटी 18,000 पे किया था गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट क्या बोलती है कि आपको जमा कितना करना है, आपका जितना वैल्यू बढ़ा मतलब 11,200 बढ़ा उसके ऊपर 2,016 ही बनता है ना, आप उतना ही दे दो, जितना वैल्यू एडिशन आगे होगा। अभी आगे क्या होगा, आपने 1,11,200 किया, वो गया, वो कॉस्ट गया रिटेलर को, रिटेलर बोलेगा मेरा मार्जिन, मेरा प्रॉफिट 24,640, ये उसने ऐड किया, तो उसकी सेल प्राइस होगी 1,35,840। ओके, अब मैं हूँ कंज्यूमर, जब मैं परचेस करूँगा तो मुझे क्या बोलेगा, ये सेल प्राइस है मेरे गुड्स की और जीएसटी है 18%, तो पूरा 1,60,291.20 इससे मैं परचेस करूँगा। ओके, अब पहले केस में देखो, इसने 1 लाख को बेचा, 18,000 कलेक्ट किया, भर दिया, डिस्ट्रीब्यूटर के रोल में आप थे, आपने क्या किया, 20,016 में से 18,000 जो दिया था वो
माइनस करके बाकी का भर दिया, मतलब जो रिटेलर से आपने कलेक्ट किया था जो भी 20,016 उसमें आपका जो गया था 18,000 वो तो आपने निकाल के 2,016 ही भर दिया, तो रिटेलर के डिस्ट्रीब्यूटर के पॉकेट से कुछ जीएसटी गया क्या? नहीं गया ना। आगे रिटेलर है वो क्या करेगा, 24,000 जब उसके आगे जीएसटी वो भर रहा है 24,451, तो वो क्या बोलता है, जब मैंने लिया था तो 20,016 पे किया था, तो वो 20,016 मेरा इनपुट टैक्स क्रेडिट होगा, वो गवर्नमेंट के पास जमा है मेरा, जमा मतलब क्रेडिट है, तो ये जो मैंने कलेक्ट किया 24,000 उससे ये माइनस करके मेरी जिम्मेदारी है 4,435.20। अब मैं हूँ कंज्यूमर, देखो मेरा क्या हुआ, जब 18,000 का जीएसटी मैन्युफैक्चरर ने कलेक्ट किया तो वो मैं भर रहा हूँ, दूसरा 2,016 यहाँ पे जो भी है वो मेरे ही पॉकेट से जा रहा है, और ये आगे जो अभी 1,500 का जो भी है ये भी कंज्यूमर के ही पॉकेट से जाता है, यहाँ पे इसके पॉकेट से गया था लेकिन उसने माइनस करके निकाल के अपने पॉकेट में फिर भर दिया, और जो एडिशन था वही गवर्नमेंट को दिया, तो इसके ऊपर बर्डन आ गया था लेकिन वो बर्डन पास ऑन किया आगे, आगे जो बर्डन आया था वो पास ऑन किया आगे, चार पार्टी है ना इसमें, मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, मैंने आपसे लिया तो आपने मेरे को दिया 18,000, मैंने जमा कर दिया, आप इनको दे रहे हो, इन्होंने आगे परचेस किया, जैसे आगे परचेस हुआ इन्होंने आगे सेल कर दिया, तो वो जो टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं वो पूरा गवर्नमेंट को नहीं भर रहे, उन्होंने जो पीछे जो भी दिया था वो माइनस करके जो एडिशन हुआ वही गवर्नमेंट को भर रहे। अभी 1,00,000 का यहाँ पे जो गुड्स का कॉस्ट था, जो गुड्स का कॉस्ट था 1,00,000, वो आगे हो गया 1,11,200, आगे हो गया 1,35,840, और फिर आगे वो जाके ये जो कॉस्ट है प्लस जो जीएसटी है ये पूरा वो किसने किया, जो कंज्यूमर है उसने ही भरा पूरा कॉस्ट, जो वैल्यू एडिशन भी हुआ वो भी कंज्यूमर का, कंज्यूमर के लिए हुआ, और जीएसटी का जो भी एडिशन हुआ वो भी कंज्यूमर के लिए हुआ। अगर डायरेक्ट कंज्यूमर समझो मार्केट से ये मैन्युफैक्चरर से ही परचेस करता है तो उसको वैल्यू कम होगी, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। चाय कहाँ, चाय कहाँ बनती है, असम में बनती है, असम से यहाँ कौन लेके आता है, एक डिस्ट्रीब्यूटर है वो हर एक स्टेट में बेचता है, फिर उसे कौन खरीदता है, रिटेलर खरीदता है, रिटेलर से हम खरीदते हैं, हम तो एक पॉकेट खरीदेंगे तो हम लोग जाके असम से नहीं खरीद सकते, यहाँ बनता है वो, ऐसा डिस्ट्रीब्यूटर चैनल आएगा, अगर हम खुद जाने जाएंगे लेने जाएंगे तो हमारे लिए बहुत महंगा हो जाएगा, तो हमारे लिए ये काम करते हैं रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर होलसेल मैन्युफैक्चरर, तो फिर क्या होता है थोड़ा थोड़ा जो उनका खर्चा है वो निकाल के लेते हैं, इसके लिए हमारे लिए कॉस्ट बढ़ जाती है, लेकिन अगर हम खुद करेंगे तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, वो कर रहे हैं तो सब लोगों ने थोड़ा थोड़ा ले रहे हैं तो अपने लिए थोड़ी कॉस्ट बढ़ रही है। अब इसमें क्या रहता है देखो, अभी आपको लगेगा कि ठीक है ना इसमें क्या है, ये माइनस करके भर दिया, यही करना है ना जीएसटी में, यही करना है ना, वही में अलग क्या, आपको जब जीएसटी भरना है अगर आप कोई एक रजिस्टर्ड डीलर है तो आपको क्या करना है, मैंने ये परचेज किया 1,18,000 का और बेच दिया मैंने, तो मुझे क्या भरना है, 20,016 कलेक्ट किया, 18,000 दिया था, 2,016 भर दिया, बात खत्म ना, इसके लिए क्या सीखना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। अब इसमें भी ऐसा एक है कि कुछ चीजें अगर आप परचेज करते हो तो उसका आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, उसकी भी एक लिस्ट नहीं मिलेगा, जैसे फूड एंड बेवरेजेस, एक ऑफिस है इधर कुछ एम्प्लॉयज हैं तो वो चाय बनाते होंगे, चलो कुछ अपना सुबह जब आएंगे 11 बजे चाय पियेंगे, ऑफिस बाकी कुछ प्रोवाइड नहीं करता होगा, चाय तो कोई भी ऑफिस प्रोवाइड करती है, या तो बाहर से मंगाएंगे या वहाँ पर ही बनाएंगे, अगर ऑफिस में ही बना रहे तो चाय पत्ती मंगाएंगे, तो वो जब ऑफिस का खर्चा है तो जहाँ से परचेज करेंगे उसको कंपनी के नाम पर बिल बनाएंगे, बराबर है, तो जो फूड बेवरेजेस है उसके ऊपर जो भी आपने जीएसटी दिया होगा उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा।
होटल से आपने खाना मंगाया हुआ है, कोई पार्टी होगी, कोई फंक्शन होगा, खाना मंगाया है, उसके ऊपर 5% GST होटल लगाता है, उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। समझ रहे हैं? अब कार परचेज की, मतलब कार तो हमारे बिजनेस के लिए लिया हमने, एक कंस्ट्रक्शन कंपनी या कोई कॉन्ट्रैक्टर है उसने कॉन्ट्रैक्ट लिया, रोड कितना बनाया है या बिल्डिंग की जो भी प्लास्टर वगैरह होते हैं उसका वो कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, तो जाते हैं साइड पे देखते हैं कंपनी की कार है, कार अगर परचेस करते हैं उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। कोई तो डिस्ट्रीब्यूटर है वो बायर को वहाँ पे गुड्स सबको डिलीवर करता है, तो वसूली करने के लिए कार से जाता है। कोई नई स्कीम है उनको बताने के लिए कार से जाता है, कंपनी के लिए कार ली, लेकिन कार का इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। डिटेल में मैं सब एक एक मतलब दो दो घंटे का टॉपिक है, चार चार घंटे का टॉपिक है ये सारी चीजें। अब वो कार का इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा तो कार आप रिपेयर को दोगे, मेंटेनेंस को दोगे, सर्विसिंग करोगे, उसका इंश्योरेंस भरोगे, उसके ऊपर GST भरोगे, उसका भी क्रेडिट नहीं मिलेगा। मतलब एक महीने आउटपुट टैक्स कलेक्ट करना है वो तो भरना है गवर्नमेंट के पास, और जो मैंने परचेज किया गुड सर्विस उसके ऊपर जो टैक्स मैं वहाँ पे डिडक्ट करके लेता हूँ, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसका मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता, तो वो चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। आप कुछ गुड सर्विस ले रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, उसके ऊपर आपको ही टैक्स भरना है, तो ये आपको देखना पड़ेगा। तो कौन सी चीज़ फॉरवर्ड चार्ज में है, कौन सी रिवर्स चार्ज में है, इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, ये आपको देखना पड़ेगा। इनवॉइस कब बनाना है, कैसे बनाना है, ये आपको देखना पड़ेगा। एडवांस लिया तो किसको टैक्स भरना पड़ता है एडवांस के ऊपर, ये आपको सीखना पड़ेगा। अभी जो समझो, अभी टैक्स आप कलेक्ट करो, अभी समझो ये जो है यहाँ पे ये जो वैल्यू है 1 लाख, ठीक है, ये 1 लाख की वैल्यू बन गई मेरी कॉस्ट, लेकिन ये ऐसी नहीं बनती। इसमें 90,000 के गुड्स है, इसमें 5,000 के पैकिंग चार्जेस है, इसमें इंश्योरेशन चार्जेस 2,000 है, इसमें ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस 3,000 है। तो ये जो 90,000 है उसके ऊपर GST आएगा, ये सारी अमाउंट मिला के जो 1 लाख हो रहे हैं उसके ऊपर GST आएगा। ऐसे मैं ट्रांसपोर्ट परचेस करता हूँ तो मुझे 5% GST है, लेकिन ये अब जब मैं गुड्स बेच रहा हूँ तो ये गुड्स के ऊपर 18,000 GST है, तो ट्रांसपोर्ट चार्जेस मैंने लगा दिया तो इसके ऊपर क्या रेट है, जो कानून में लिखा होगा वो है। मतलब मेरे समझे गुड्स 18,000 के है, तो ये सारी चीज़ें मैं इसके साथ दे रहा हूँ, तो इसको बोलते हैं कंपोजिट सप्लाई। मतलब ये एक देने के लिए आपको ये देना पड़ रहा है, और उसके चार्जेस अगर अलग अलग लगाए गए तो जो रेट इसका है ये गुड्स का है 18%, तो ये बाकी चीज़ों का भी 18% ही हो। मैंने चार चीज़ें मंगाई हाँ, और मुझे कुछ डिलीवरी चार्जेस लगाए गए, एक चीज़ है 5% की, दूसरी है 12 की, तीसरी है 18 की, चौथी है 20% की, और उसके ऊपर डिलीवरी चार्जेस है, तो प्रपोर्शनेटली डिलीवरी चार्जेस में बांटे जाएंगे। समझो मैं क्या बोल रहा, देखो एक चीज़ 1,000 की है, दूसरी चीज़ 2,000 की है, तीसरी चीज़ 3,000 की है, चौथी चीज़ 4,000, ओके। अब इसके ऊपर पैकिंग चार्जेस, डिलीवरी चार्जेस ये कुछ लगाए गए, 1-2 हाँ, मतलब समझो 100 रुपये, ये 100 रुपये चार्ज लगाए इसके ऊपर, तो 100 में से क्या होगा, इसमें 10 जाएगा, इसमें 20 जाएगा, इसमें 30 जाएगा, इसमें 40 जाएगा, प्रपोर्शनेटली जाएगा। अब इसका कितना वैल्यू हो गया, 1,010, इसका कितना हो जाएगा 2,020, इसका कितना हो जाएगा 3,030, इसका कितना हो जाएगा ऐसे, और इसका रेट है 5%, टोटल जो अमाउंट है उसके ऊपर आएगा 5%, इसका 12, इसका 18, ये सारा आपका सॉफ्टवेयर कैलकुलेट कर लेता है ऑटोमेटिक, क्योंकि वैसा काम नहीं, आपको सिर्फ सेटिंग करनी है। तो मैं आ गया, क्या होता है ये सारी चीज़ें हैं, ये जो टैली सॉफ्टवेयर है ये मैं बहुत सालों से यूज़ कर रहा हूँ, मतलब जब भी कॉलेज में था तभी से मैं यूज़ कर रहा हूँ, जब जॉस था मैं कभी 91 में, तभी से मैंने टैली 4 यूज़ करना चालू किया।
ओके करीब करीब अभी 27-28 साल में यूज करूँगा। कुछ लोगों को अगर ऐसी सेटिंग करके चाहिए तो वो सर्विस में प्रोवाइड कर दो कि आपको GST में बिलिंग करना है, इनवॉइस करना है, उसमें इनवॉइस चाहिए, तो सारी सेटिंग मैं करके देता हूँ उनके सॉफ्टवेयर में। और उनको डिफिकल्टीज कुछ आती है उसका सोल्यूशन भी मैं प्रोवाइड करूँ, सपोर्ट सर्विस में प्रोवाइड करूँ। अब मैंने वो बना के दे दिया तो वो जैसे ही यहाँ पे वो स्टॉक आइटम डालेंगे GST नीचे अपने आप आएगा, GST टाइप नहीं करने होंगे। तो कम से कम जितना ऑटोमेटिक हो सके उतना हमने हम वो करके देते हैं। तो सॉफ्टवेयर की जो बेस्ट फीचर है वो यूज करके उनको वो एक बार सेटअप करके दे दिया तो इसमें वो अपने आप आ जाता है। मतलब जो वो पार्टी बोलती है हम लोग कभी कभी पैकिंग चार्जेस लगाते हैं, पैकिंग चार्जेस इंश्योरेंस लगाते हैं, सामने वो दिखेगा दिखेगा। अगर चार्जेस नहीं है तो आप मत डालो, है तो डालो, डाल देंगे ये चीज कैलकुलेट अपने आप हो जाएगा। ये जो स्टॉक आइटम है ये 5% है, हमने डिफाइन करके रखा है, ये 12 है डिफाइन करके रखा है। नीचे अगर ट्रांसपोर्ट किसी को लगाना है किसी को नहीं लगाना है, लगाया तो GST अपने आप वैसे कैलकुलेट होगा, उसको कुछ करने का नहीं है। तो वो लोग काम कर रहे हैं इतना सब कुछ, उनको कुछ दिमाग में रखना नहीं पड़ता है, वो सेटिंग हो गई है वहाँ पे, सब कुछ बना के रखा हुआ है, सिर्फ वो उनका कितना वैल्यू है उतना डालना है। पैकिंग चार्जेस कितना है 1000 डालो, 800 तो 800 डालो, बाकी सब कुछ कैलकुलेट अपने आप हो जाएगा। अब ये टैली में कैसे सेटिंग करना है ये अपना एक कोर्स का एक पार्ट है, क्या कानून है दूसरा पार्ट है, और पोर्टल में कहाँ पे क्या जाएगा ये तीसरा पार्ट। अब जो लोग रिटर्न फाइल करते हैं उनको टैली का इतना नॉलेज होता नहीं, जो कानून का काम करते हैं वो अपना वो सिखाते हैं, लेकिन पोर्टल में काम कैसे होते हैं वो नहीं सिखाते। ये मैंने देखा है, इसके लिए मैंने ऐसा कोड बनाया कि जहाँ जहाँ से अपना स्टार्ट होगा ट्रांजैक्शन, एंट्री कहाँ से करेगी, क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं बोले लॉग है, क्यों मतलब लॉग है, लॉग आ गया मतलब सेक्शन रूल नोटिफिकेशन वो सब कुछ आ गया। और पोर्टल में कैसे डालना है, तो जहाँ से आप एंट्री स्टार्ट करोगे आपका जो ट्रांजेक्शन है जहाँ से स्टार्ट होगा वहाँ पे वो ट्रांजेक्शन के ऊपर GST लॉ का क्या इफेक्ट है वो आपको समझना है। तो वहाँ पे वो जो आपका ट्रांजेक्शन है वो टैली में कैसे एंट्री होगा वो भी आपको समझना है। ये तीन ही चीज, ये तीन चीज़ के ऊपर कुछ होता नहीं, एक आदमी को अगर ये तीनों चीज़ आ गई तो फिर उसके जैसा मास्टर कोई नहीं। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, जो रिटर्न फाइल करने वाले वो बहुत लोग टैली यूज ही नहीं करते, तो डेटा जो है वो टैली से उनके सॉफ्टवेयर में एक कनेक्शन होता है, डेटा यहाँ से वहाँ उठा लेते और वो डेटा वहाँ पे वो अपलोड कर देते। और जो अकाउंटेंट है उसको मालूम नहीं है कि डेटा अभी हमारा जो भी था वो हमने जो बनाया था वो अभी क्या हो गया, गवर्नमेंट को रिपोर्ट हो गया, अभी हमको इसमें चेंज नहीं करना है, या कुछ भी चेंज है उसमें तो क्रेडिट नोट डेबिट नोट बनानी पड़ेगी। अगर ये अकाउंटेंट को मालूम नहीं है तो बहुत सारी गड़बड़ हो जाएगी। अब इनवॉइस में क्या था अभी क्या हो गया, इमीडिएटली वहाँ का वहाँ पर रिपोर्ट होता है। इनका इनवॉइस नहीं था तो लोग कुछ भी कर रहे थे, बाद में GSR 9 में अगर कुछ आपको टैक्स भरने को आ रहा है तो आप GSR 9 होता है ईयर रिटर्न उसमें आप भर दो, तब भी नहीं भरा तो गवर्नमेंट क्या करेगी आगे जाके, आगे के जो सेक्शन है देखो आप जो भी काम करोगे मैं भी शॉर्ट में खत्म करूँगा। जायचे आहे ना हे पुढच्या पुढे दिवसात तुम्हाला हे इथपर्यंत आहे ना पेमेंट ऑफ टॅक्स, इथे तुम्हाला इंटरेस्ट
पन्ना सेक्शन आहेत, पुढे टी डी एस टी सी एस हे सेक्शन संपले तर पुढे रिफंड आहे. रिफंडचे बघा तर 8 पर्यंत सेक्शन आहेत आणि पुढे 59 जे आहे त्याच्यामध्ये काय होतं की आपण जो टॅक्स भरतो, हम जो टॅक्स भर रहे वो गव्हर्नमेंट क्या बोलते है कि आप अपना कॅल्क्युलेट करो और भर दो. अभी आप म्युनिसिपल टॅक्स भरते होंगे, प्रॉपर्टी टॅक्स भरते होंगे, वो अपने को गवर्नमेंट कॅल्क्युलेट करके देती है और वो हम भरते. जीएसटी में ऐसा नहीं, टैक्स पेयर खुद कैलकुलेट करेगा और भर देगा, उसको बोलते हैं सेफ एसेट, सेफ एसेट्स में. अब जो भी कानून है उसका आप एडवाइजर कोई देख लो और कैलकुलेट करके टैक्स भर दो. आपने टैक्स भर दिया, उसमें कुछ गलत निकला, गलत होगा, डिपार्टमेंट क्या करेगा, स्क्रूटनी में रिटर्न करेगा, स्क्रूटनी में आप रिटर्न करेगा. और अगर आपने गलत टैक्स पे किया है, गलत इनपुट टैक्स लिया हुआ है, तो आपको फिर उसमें जो टैक्स भरने को आएगा उसका इंटरेस्ट पेनल्टी ये लग सकता है. टैक्स और इंटरेस्ट तो लगता ही है, पेनल्टी डिपेंड करती है. एक ये है. दूसरा, अब कुछ लोग प्रॉपरली इनवॉइस नहीं बनाते, प्रॉपरली उनका काम नहीं करते, तो गवर्नमेंट उसके लिए क्या करेगी कि जो भी आगे दिख रहा है इंस्पेक्शन, वो पीवाईसी में जाके इंस्पेक्शन कर सकते, सर्च रेट डाल सकते, उसमें कुछ गलत काम हो रहा है कि नहीं, कानून जैसा है वैसा वो काम कर रहा है कि नहीं वो देखेगा. अगर उसमें कुछ उनको लगता है गलत हुआ है तो उसके ऊपर फिर टैक्स करेक्शन उसके लिए, अभी जो डिमांड होता है ना वो डिमांड एंड रिकवरी, इसके लिए सेक्शन अलग है. मतलब एक असेसमेंट किया सेल्फ असेसमेंट तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट स्क्रूटनी नहीं करेगा. एक दूसरा, अगर उनको लगता है तो उनका ऑफिसर आके ऑडिट कर सकते हैं, या गवर्नमेंट स्पेशल ऑडिट किसी सीए को हायर करके, पेमेंट गवर्नमेंट करेगी, वो सीए तुम्हारे ऑफिस में आके ऑडिट करेगा, या गवर्नमेंट का ऑफिसर आके ऑडिट करेगा, आइदर तुम्हारे प्रीमाइसेस में या उनके ऑफिस में जाके ऑडिट कर सकते, डिपेंड दोनों उसमें. या फिर इंस्पेक्शन होगा. ये है. अब यहाँ पे देखो क्या है कि आप जो भी काम कर रहे हो उसका आपको अकाउंट्स रिकॉर्ड्स मेंटेन करना होगा, ये यहाँ पे लिखा हुआ. तो किस तरीके से अकाउंट मेंटेन करना है, किस तरीके से स्टॉक मेंटेन करना है, ये सब यहाँ पे. ये टैक्स पेयर को, अकाउंटेंट को जो सेक्शन 58 तक है, अगर रिफंड नहीं है तो ये भी नहीं, समझ लो सेक्शन 50 तक सबको लगता ही है. सेक्शन 7 से लेकर सेक्शन 50 तक अगर कानून मालूम है अकाउंटेंट को तो वो अपना काम प्रॉपर तरीके से करेगा. उसके बाद उसका काम प्रॉपर हुआ कि नहीं हुआ है वो देखने के लिए गवर्नमेंट स्क्रूटिनी, ऑडिट, इंस्पेक्शन, सर्च ये कर सकती है. और उसमें कुछ गलत टैक्स पे किया होगा तो डिमांड एंड रिकवरी रेज करेगी. और ये आउटपुट लाइबिलिटी है इन सर्टन केसेस, ये देखा हुआ है. और दूसरा, ऑफेंशियल पेनल्टीज, आपको बोला इनवाइस बनाओ, आपने नहीं बनाया, आईटीसी प्रॉपर नहीं लिया, तो क्या क्या आपको पेनल्टी लगेगी वो उसमें है. और अपील्स और रिवीजन, गवर्नमेंट ने कुछ आपके ऊपर डिमांड दे दिया आपको पसंद नहीं है तो आप अपील में जा सकते हो, अथॉरिटी के पास, कोर्ट के पास अपील हो सकते हो, उसकी सुनवाई वहाँ पे हो. बस ये सब कानून है. तो सेक्शन 50 जो भी है वो आपके नॉर्मल वर्किंग में आएगा. जो भी अकाउंटेंट है जिसको भी काम करना है उसको पहले 50 सेक्शन 7 से 50 ये प्रॉपरली मालूम होने चाहिए. और उससे जो रिलेटेड रूल है वो भी हम देखेंगे. जो भी काम होगा वो जीएसटी के पोर्टल पे होगा. अब यहाँ पे लॉगिन करेंगे, जो भी हमने जानकारी हमको भरनी है वो तो किस तरीके से भरते हैं, जैसे मैंने लॉगिन किया ऐसा है. और जैसे आपने रजिस्ट्रेशन नंबर लिया होगा आपको लॉगिन क्रेडेंशियल मिल जाते हैं, तो लॉगिन क्रेडेंशियल यूज़ करके अकाउंट बनाना पड़ता है.
जैसे लॉग इन किया, यहाँ पे दिखता है सामने रिटर्न सारे फाइल किए हुए हैं, 5 रिटर्न का यहाँ पे स्टेटस दिखता है। आगे रिटर्न डैशबोर्ड क्लिक किया, ये सारा मैं बताने वाला हूँ क्या होता है, किस तरीके से होता है, अंदर क्या दिखता है। अब यहाँ पे कुछ भी हम काम करेंगे ऐसे भी गलती नहीं, अब देखने के लिए खोलोगे तो उसमें कुछ भी ऐसा आपसे कुछ एंटर नहीं हो सकता। कुछ भी मैंने यहाँ पे डाला तो उसके बाद में उसको सबमिट करना पड़ता है, उसका OTP लेना पड़ता है, वही वो वहाँ पे क्या होता है परमानेंटली रह जाता है। अब जो यहाँ पे बन गया है उसको मुझे देखना है, तो जुलाई का मैंने किया और ये मेरा फाइल है सब दिख रहा है, GSTR 1, GSTR 2A, GSTR 2B, GSTR 3B फाइल। तो ये क्लिक किया GSTR 1, देख रहा है 14 है, यहाँ पे B2C है, एक्सपोर्ट है, B2C लार्ज है, क्रेडिट डेबिट नोट है, एजुकेशन वाइज समरी है, यहाँ पे क्लिक किया, ये सारी एंट्री टैली में की, टैली में से जो डेटा था वो एक्सपोर्ट किया, वहाँ पे यहाँ से इंपोर्ट किया, यहाँ पे आ गया। एक ऑप्शन ये है, दूसरा आप मैन्युअली एक एक एंट्री को यहाँ पे भर सकते हो। ये सगा भी मतलब दाखना डेटा कैसा क्या बोले, पहले क्वेश्चन कंपनी कैसे बनवाई, लेजर कैसे बनवाई, स्टॉक आइटम कैसे बनवाई, चला HSN कोड कशा प्रकार सेट कराए, ये कसं कॉन्फिगर करायचं। आता याच्यासाठी माझे 98 पेजचं डॉक्युमेंट आहे टॅलीच्या इधर साईजसाठी, त्यामध्ये सगळ्या म्हणजे परचेज एंट्री, सेल एंट्री, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, ॲडजस्टमेंट एंट्री, ॲडव्हान्स इनवॉइस, वेगवेगळे टाईप, एक्सपोर्ट इनवॉइस, सेज इनवॉइस, सगळ्या प्रकारचे इनवॉइस कसे बनतात, कसे बनवायचे, हे सगळं आहे। तेवढं सगळं मी प्रॅक्टिकली करून घेतो आणि हे मी करून घेतो की तुम्ही प्रॅक्टिस केली, नवीन कंपनीमध्ये काम केलं तर तुम्हाला त्याच्यामध्ये हँडसम मिळेल, तुम्ही केलं तुम्हाला कॉन्फिडन्स मिळेल, तुम्हाला अडचणी येतील, तुम्ही विचाराल त्यात तुमची लेवल रेज होईल। मी डॉक्टर असतो त्याला सगळं नॉलेज असतो आणि त्याच्या हाताने तो माणूस असतो, त्याला म्हणतो तू याला ऑब्झर्व कर 24 तास, काय वाटलं तर मला सांग, काय झालं तू काय करू शकत नाही। इव्हन डॉक्टरचा असिस्टंट असतो, डॉक्टरला म्हणतो याचा पोट पाठ, तो पोट पाठतो, पण जर पेशंटला काय त्रास झाला त्याला काय करावं त्याला सांगता येत नाही, लक्षात घ्या। अकाउंटंटची हालत काय, तो CA बोलतो की तो करतो, आणि जर का त्या पोट फाडलं आणि काय झालं डॉक्टर बोलतो मी काय नाही गेलो, याने गेलो, आपने बोला इसके लिए मैंने किया ना, आपको क्यों हायर किया हमारी कंपनी ने। अकाउंटेंट का रोल क्या है, जो CA बोलेगा वैसे अकाउंटेंट काम करेगा, अगर उसको गाइडेंस नहीं मिला, उसको नहीं बताया गया कि इसे ये काम पे ऐसे करो, तो फिर जो कंपनी का नुकसान होगा जिम्मेदार कौन है, अकाउंटेंट तो उसके नीचे काम करते हैं ना। अगर गाइडेंस ही नहीं मिलेगा उसको तो फिर वो काम नहीं कर सकता। अभी मार्केट में ये चल रहा है, एक CA के पास समझो 50 काम है, तो उसके पास जो 10 लोग हैं वो 10 लोगों में से एक दो आदमी ऐसे रहते हैं जिनको पूरा नॉलेज रहता है, बाकी 8 लोगों को एंट्री रखा गया है वो अपना फिल कर दे, ऐसा इतनी भर दो ऐसा कर दो, उनको कम सैलरी में लोग चाहिए सीखने के लिए, बस ये आपको इतना बोलेंगे उतना करो, मतलब जो CA रहेगा उसके जो असिस्टेंट रहेंगे वो बाकी लोगों से काम करवा के लेते, फिर वो देखते नहीं कि इसका ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, बराबर है कि नहीं, काम बराबर चल रहा है कि नहीं, ये कभी वो देखते नहीं, देखने के लिए टाइम नहीं है। ये तब तक नहीं आएगा कोई प्रॉब्लम ना हो या कोई बड़ी बात, नहीं प्रॉब्लम भी होती है लोगों को, लोगों ने 10-10 लाख का उसको डिमांड आया भर दिया है, लोग भरते भी है 10-15 लाख भर भी रहे, उनको ये भी मालूम पड़ता है कि ये बराबर से देखा नहीं इसके लिए भरने को आया, क्या करेंगे, करेंगे क्या, अरे 100 में से 90 लोग ऐसे ही है तो आप कहाँ जाने वाले हो, आप इसको छोड़ोगे इसके पास जाएगी, इसका कस्टमर इसके पास, इसका इसके पास, उनका जो संख्या है उनका जो काउंट है उतना ही रहता है, उनका आंकड़ा उतना ही रहता है।
अगर कोई अकाउंटेंट सीख लेगा, समझ लेगा और अपना काम कर देगा, या जो वो समझ रहा है वैसे काम हो के नहीं होगा, तो ये चेंज हो सकता है। बड़ी कंपनी में क्या रहता है, बड़ी कंपनी में एक वो CA को ही अपॉइंट करते हैं वहाँ पे सब कुछ देखने के लिए, लेकिन जो बाकी जो ऐसे छोटे बड़े ऐसे जो ये है, मतलब इसको बोलते हैं कि जो एक ऐसा सेक्टर है जिसमें कुछ वेल प्लान नहीं है, एक तरीका नहीं किस तरीके से काम करने का, अनऑर्गेनाइज सेक्टर जिसको बोलते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में सारी चीज़ें ऐसी राम भर के चलते हैं। तो बड़ी कंपनी है तो गवर्नमेंट का उसके ऊपर पूरा फोकस रहता है कि यहाँ पे बराबर काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है, करोड़ का टर्न ओवर है, लाखों का टैक्स है, तो उनके ऊपर गवर्नमेंट क्या करती है, उनको ऑल्ट करेगी, इवन डिमांड का भी ऑल्ट होता है कि बराबर सब कुछ काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर गवर्नमेंट आके देख रही है तो उनको प्रॉपर सब रिकॉर्ड मेंटेन, अकाउंट रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है। लेकिन जो जिनका टर्न ओवर 5 करोड़ है, 10 करोड़ है, उसके ऊपर गवर्नमेंट ज़्यादा फोकस नहीं करती। 5 करोड़ तो गवर्नमेंट छोटा ही समझे, 5 करोड़ जिनका है उनके लिए अलग प्रोविजन है, 5 करोड़ के ऊपर है उनके लिए अलग प्रोविजन है। अब GSR 9 जिनका टर्न 2 करोड़ तक है उनको भरने का ही नहीं एग्जाम किया, और जिनका टर्न 5 करोड़ तक है उनको GST का ऑडिट नहीं। 5 करोड़ के ऊपर एक 9C फॉर्म रहता है, जिनका टर्न 5 करोड़ के ऊपर है उनको ही भरने का, मतलब 5 करोड़ तक उतना रिस्ट्रिक्शन नहीं है। 2 करोड़ तो बिल्कुल नहीं, 2 करोड़ तो फ्री छोड़ दिया, वो कुछ भी करो, वहाँ पे जाके ऑडिट भी करेंगे, कुछ टैक्स निकलेगा भी, ज़्यादा कुछ निकलेगा नहीं, मतलब एक आदमी को बिठाया उसके ऊपर 2 लाख खर्चा किया और कितना कलेक्शन निकला, कुछ भी नहीं, या 1-2 लाख ही निकला, तो गवर्नमेंट को लॉस है ना। छोटे मोटे व्यापारी गलती भी कुछ करते हैं उसमें रिकवरी जो होगी वो रिकवरी करने के लिए जो खर्चा होगा ज़्यादा होगा, तो गवर्नमेंट उनकी उनके ऊपर फोकस नहीं करती, और उनके ऊपर फोकस करेगी तो लोग बोलेंगे क्या गवर्नमेंट है निचोड़ के ले रही है, तो वो भी नहीं हो सकता। बड़ी कंपनीज है उनके ऊपर ज़्यादा फोकस रहता है, बाकी जो मीडियम है उनके ऊपर थोड़ा कम ध्यान रहता है, छोटे हैं उनको गवर्नमेंट छोड़ देते हैं। इसके लिए क्या हो रहा है, जिनका काम ठीक तरीके से नहीं हो रहा है तो भी वो चल रहा है, और जो भी कॉन्ट्रैक्टर है उनको गवर्नमेंट पकड़ के, लेकिन बहुत लोगों ने 100 मरीज 5 लोगों को पकड़ा, 10 लोगों को पकड़ा, चला ठीक है, लेकिन सबको मालूम है कहाँ कभी मिसमैनेजमेंट है और आपको प्रॉपरली अकाउंट रिकॉर्ड मेंटेन होने चाहिए। जिनको लगता है वो ढूंढते हैं कि चलो कुछ मेरे पास आते हैं कुछ लोग कि हमारे स्टाफ को ट्रेनिंग दो, बहुत डिफिकल्टीज आ रही है, कम्युनिकेशन नहीं है हमारे CA में और हमारे स्टाफ में, मेरे को लगता है कुछ बराबर नहीं हो रहा है, लेकिन मैं भी क्या करूँ, समझ में आ गया आपको। तो यहाँ पे जो भी है जिस तरीके से काम होता है, जितने मैंने वहाँ पे आपको लीज दिए, यहाँ पे ये जो GSR 1 है, 2A है, 2B है, 3B है, 3 है, 4 है, CMP 08 है, GSR 4 है, 5 है, आपको सिस्टम समझ में आ जाएगा, तो ये सब कुछ समझ में आ जाएगा, समझ में आ गया ना। आप एक कार प्रॉपर चलाना सीख गए, बाकी 10 कार तो आप ऐसे चला लोगे, तो एक मोबाइल प्रॉपरली आ गया, दूसरी कंपनी का कोई भी मोबाइल आता है आप चला लेते हो ना, वैसे ही है। मैं GSR 1 या 3B या जो भी 2A 2B है ये आपको ऐसे बता दूंगा, तो बाकी ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी, बाकी सारी चीज़ें सबके लिए जरूरी नहीं होती, मालूम होना जरूरी नहीं होती, लेकिन जो आपका काम है वो GSR 1 2A 2B 3B यहाँ तक होगा, लेकिन बाकी मैं जो भी मैं एक्स्ट्रा बताऊँगा उससे क्या होगा, आपका जो काम है उसका आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ये कुश्ती आते ना, तो कुश्ती में क्या था कि जरा कुछ लड़ाई जी असे तो जास्त बलशाली माणसाकडे त्याला लढवतो प्रॅक्टिससाठी, समझ में आ गया ना। एक्चुअली आप जिसे लड़ने वाले हो उससे ज़्यादा ताकतवर आदमी से आपको प्रैक्टिस के लिए बोलते हैं, इसके साथ कुछ सीख लो, आप हारने ही वाले हो, मालूम है आपको, लेकिन प्रैक्टिस के लिए वैसा ही करना पड़ता है। मैं जिस लेवल पर बोल रहा हूँ या बता रहा हूँ उसमें क्या होगा, आपको लगेगा थोड़ा अलग लेवल पर जा रहा है, हाई लेवल पर जा रहा है, लेकिन धीरे धीरे आपका जो लेवल है वो बढ़ेगा, आपका लेवल बढ़ेगा, आपकी समझ बढ़ेगी, आपका काम में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और किस तरीके से काम करना चाहिए टैली में, किस तरीके से काम होता है कानून के एक्ट रूल नोटिफिकेशन से, और किस तरीके से पोर्टल पे वो सब कुछ दिखता है, ये सारी चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी, तो कौन गलत कर रहा है कौन सही कर रहा है ये आपको समझ में आ जाएगा। दूध का दूध पानी का पानी आप तभी कर सकते हो जब आपको ये सब कुछ मालूम है।
ये सिर्फ कोर्स क्या है ये बताने के लिए इतना टाइम गया है, फिर मैंने सिखाना चालू नहीं किया कुछ। ठीक है, रुकते हैं हम बोल।